विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि अनुसूचित समाज से मतांतरित लोगों को आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग संविधान और राष्ट्र विरोधी है। परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में बताया कि पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने भी इस मांग को अनुचित ठहराया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति से कन्वर्टेड हुए क्रिप्टो क्रिश्चियंस के लिए आरक्षण के मामले पर एक आयोग का गठन किया है, जिसमें आयोग ये तय करेगा कि ये जांच करेगा कि क्या उनको आरक्षण दिया जा सकता है। इसी मुद्दे को लेकर विश्व हिंदू परिषद लगातार विरोध कर रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आरक्षण है उसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा सकती। हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी। हम उनसे जानेंगे कि क्या विश्व हिंदू परिषद की इस पर राय, सर क्यों आप लोग इस चीज़ को लेकर विरोध कर रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात और पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये भारत के संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है। ये जो यहाँ के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लोभ लालच भय जिस भी किसी प्रकार से उनको धर्मांतरित किया जाता है और बाद में भी वो इसी समाज के लाभ लेते रहते हैं, इनके आरक्षण का लाभ लेते रहते हैं। ईसाई समुदाय ने तो 2011 में आज से 11 साल पहले लगभग जो जनसंख्या का आया था अपने पास आंकड़े आए थे, उसमें आप उनके वॉल पे देख सकते हैं, उनके साइट की वॉल पे देख सकते हैं, उनके साहित्य पे देख सकते हैं, उन्हें स्वीकार किया था, उस समय स्वीकार किया था कि 4% इस प्रकार के लोग हैं जो धर्मांतरित तो हो गए हैं लेकिन ये लाभ उनको मिल रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो अल्पसंख्यकों का भी लाभ ले रहे हैं और अनुसूचित जनजातियों के हिस्से को भी ले रहे हैं। उद्देश्य तो यही था कि जो लोग पिछड़ गए हैं, बिछड़ गए हैं, बहुत पीछे रह गए, हमारा समाज आर्थिक दृष्टि से बहुत विपन्न है और सामाजिक दृष्टि से भी विपन्न है, उसको कि भी किसी प्रकार से देश की इस प्रगति की धारा में, विकास की इस धारा में साथ जोड़ना है, और अगर साथ जोड़ना है तो उनका आर्थिक संबल बढ़ाना पड़ेगा और यह आरक्षण का हेतु भी यही है। तो अब उसकी उसमें भी कटौती हो रही है, तो इसलिए हमने विश्व हिंदू परिषद ने प्रारंभ से इसका विरोध किया है। आम समाज को पता हो कि किस प्रकार से हमारे अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों के हितों को छला जा रहा है। और ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, पुणे पैक्ट आपने सुना होगा, वहाँ पर अंबेडकर जी ने और डॉक्टर अंबेडकर ने भी उस समय कहा था, 1932 में कहा था कि इस प्रकार का लाभ उनको नहीं लेने देंगे हम। संविधान सभा में भी बात उठी थी, तब भी गांधी जी और अंबेडकर जी ने, 1933 की बात है, उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण का लाभ है वो कन्वर्टेड लोगों को नहीं मिलना चाहिए, अगर मिलता है तो ये देश विरोधी है। संविधान इस मामले में क्या कहता है? नहीं, जब ये बात आई, संविधान सभा की बात आई, तो वहाँ भी ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। जब मैंने ये शब्द कहा तो संविधान इसके पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर संविधान कहता तो वो कहता कि जो धर्मांतरित हो जाएंगे उनको भी इसका लाभ मिलेगा, लेकिन संविधान में ये कहीं भी नहीं है, मूल भावना के खिलाफ है संविधान के ये। दिल्ली में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें बड़ी संख्या में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, उस पर अब विश्व हिंदू परिषद की क्या प्रतिक्रिया है? देखो, उसमें जो मंच पे लोग थे जिन्होंने नारे लगाए, हमारी चिंता भी वही है कि आपकी पूजा पद्धति बदल जाती है, आप पूजा पद्धति बदलने की बात करते हैं, आप एक तरीके से आप बौद्ध बन रहे हैं, इसका कोई किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि बौद्ध बनने के बाद हिंदू धर्म से विलग हो जाते हैं ऐसा हमने नहीं देखा है। जो मूल बौद्ध लोग हैं देश में आज भी हैं, कुछ लोग यहाँ तक कि दूसरे देशों के आए बसे हुए धर्मशाला में लोग हैं, वो पूरे हिंदू जनमानस को समझते हैं और वो कहीं भी हिंदू हिंदू विचार से असहमत नहीं दिखाई पड़ते, बड़ा सम्मान करते हैं। ये जो लोग हैं ये कौन लोग हैं, यही तो एक सोचने का विषय है कि जो बनने के बाद और विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं, ये देश के लिए वास्तव में बहुत घातक है और इस पर एक बड़ा विमर्श होना चाहिए, लोगों का जनजागरण होना चाहिए ताकि ऐसी गतिविधियों से वो सचेत हो सकें। सर एक आखिरी सवाल, राजस्थान में सर ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जैसे कायम खानी है या मेव हैं जो जिनके पूर्वज कहीं ना कहीं पूर्वज हिंदू रहे, उनके बीच में उनकी बहुत सारी परंपराएं अभी आज भी हिंदुओं की तरह हैं, क्या उनके बीच में हिंदू परिषद काम करने की इच्छा रखता है या कोई काम कर रहे हैं? नहीं, इच्छा नहीं रहता, हम कर रहे हैं। हम इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं गाजियाबाद के आसपास, बहुत
चौहान लिखते हैं और इस प्रकार का अपना पूरा मूल गोत्र के साथ अपना नाम लिखते हैं, स्वीकार भी करते हैं कि मेरे पूर्वज चार पीढ़ी पहले मैं मुसलमान बना हूँ, तीन पीढ़ी पहले बना हूँ, और आज भी उनके कर्मकांड भी उसी प्रकार का रखते हैं, नाम उनका वही है, लेकिन अपने हिंदू सोच के साथ मिलकर चलते हैं, कहीं कोई वैमनस्य नहीं करते हैं। तो देश भर में इस प्रकार के लोग मिल जाएंगे जो साथ में चलने के लिए तैयार हैं। अभी कुछ बातें जो बाद में कही गई हैं कि उनके पूर्वज डीएनए और पूर्वजों की बात चर्चा चली है, तो ऐसे लोगों के लिए चली जो आज भी देश के साथ खड़े हैं, आज भी समाज के साथ खड़े हैं, आज भी हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व से उनको कोई गर्वज नहीं है, उनको मंत्र पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोग तो साथ में थे और साथ हैं। विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो बता रहे थे कि अनुसूचित जाति और जनजाति से जो कन्वर्टेड हुए हैं उन लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए और ये देश के हित में नहीं होगा। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।